Assalamu alaikum. We are here with your last lecture, that is lecture number 3 of your chapter number 1, that is the nervous system. Okay, so previously we have studied about brain, we have studied about different functions of brain, spinal cord, your nervous system generally. I have already told you okay in the upcoming video I'm going to tell you about reflex actions, voluntary and involuntary actions. Might be these terms are somehow new for you, but as soon as you will know about it, things will be easier. Okay? So, let's start with reflex actions. Reflex actions, kya hota hai? We all know that all the activities are controlled by brain. ठीक है, हमारी हर एक्टिविटी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. वी ऑल हैव हर्ड इट सिंस आवर चाइल्डहुड. लेकिन अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? क्या रिफ्लेक्स एक्शन भी ब्रेन कंट्रोल करता है? क्या रिफ्लेक्स एक्शन भी वो एक्शन है जो हम सोचकर परफॉर्म करते हैं? नो, देर आर सर्टेन एक्शंस परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, इन अ सबकॉन्शियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ अ आई. आप अपनी आईज ब्लिंक करते हो तो ब्लिंकिंग ऑफ आई आप सोचते हो कि ओके यार इट्स बीन अ आवर नाउ आई नीड टू ब्लिंक माई आई, और इट्स बीन 5 मिनट्स आई नीड टू ब्लिंक माई आई. नो नो, यू नेवर थिंक अबाउट इट, यू जस्ट डू इट स्पॉन्टेनियसली. तो बेसिकली नॉट स्पॉन्टेनियसली, यू डू इट अनकॉन्शियसली, वेर यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि यार अब मेरी आई ब्लिंक होने वाली. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड द सेकेंड टाइप इज कार्नियल रिफ्लेक्सेस. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि गिव मी एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वॉट विल यू से? कोई एक ऐसी एग्जाम्पल इमेजिन इट इन योर माइंड कि जो यू नो एट द स्पन ऑफ द मोमेंटो विदाउट थिंकिंग. A very common example, whenever you see a hot object, you immediately quit your hand. What is that? Do you touch it? Ke, let me touch it and get the intensity, how hot it is. Main dekhun kitna garam hai. And then you quit your hand. No, you immediately quit your hand whenever you see a hot object around you. Is it so? Theek hai ji. Similarly, just as I have told you that you quit your hand after seeing a hot object, तो इसी तरह से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है. रिफ्लेक्स एक्शन का एक पैटर्न होता है आपकी बॉडी के अंदर. जाहिर है, एज आई हैव टोल्ड यू, देर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन योर बॉडी. यू हैव लर्न इट प्रीवियसली इन योर अर्लियर क्लासेस. तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. जाहिर है कि हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. देर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरी थिंग. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन भी दो टाइप्स के हैं. वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो आपको किसी भी इंजरी से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में आ जाते हैं. और जो रिफ्लेक्स एक्शंस आप एक सबकॉन्शियस स्टेट में लेते हो, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गई, या फिर पीस ऑफ डस्ट लैंड्स इन योर आई, स्नीजिंग हो गया, प्रोड्यूसिंग सलाइवा व्हेन यू स्मेल फूड्स, व्हेनेवर यू यू नो You can do it at your home. Take pickle, achar, okay, which we call it pickle. Take pickle around you. You can keep it in front of you when you are eating something. Your mouth will start watering. Okay, so why does it happen? It happens due to carnal reflexes. Okay. Now I have told you that stimulus ka jo hamare paas reflex action hai uska ek path hota hai. तो वो बात क्या होता है? ठीक है, अब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, इट कुड बी एनीथिंग. स्टिमुलस क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्पांस होता है. एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कोई एनवायरमेंटल पेन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, इट कुड बी प्रेशर, इट कुड बी यू नो टेम्परेचर चेंजेस, इट कुड बी काइंड ऑफ केमिकल्स इन योर फूड एंड ड्रिंक, इट कुड बी अ केमिकल इन द एयर, इट कुड बी light and color, it could be sound, it could be anything, it could be you know any environmental factor. ठीक है, तो वो आपका external stimulus बन गया. अब after that stimulus, what happens?
दैट स्टिमुलस मूव टुवर्ड्स योर रिसेप्टर्स. अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, आपके पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? वी हैव 5 सेंसेस रिगार्डिंग दी 5 सेंस ऑर्गन्स. तो वो सेंस ऑर्गन्स में जाते हैं. सेंस ऑर्गन्स में वी ऑल ऑफ अस हैव सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन से वो रिले न्यूरॉन में जाता है. अच्छा, रिले न्यूरॉन एक इंटरमीडिएट है. आई नो यू ऑल माइट हैव सीन रिले रेस. रिले रेस क्या होती है कि टू पीपल आर रनिंग अक्रॉस, और वो रिले जो है, जो एक रिले इज अ काइंड ऑफ स्टिक विच दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो बेसिकली वहाँ सेंटर में एक इंटरमीडिएट होता है जो उस रिले को आगे ट्रांसफ़र करता है. तो वो जो आप रिले ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होता है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास रिले न्यूरॉन है. ठीक है, रिले न्यूरॉन से वो मोटर न्यूरॉन में जाएगा. मोटर न्यूरॉन हमारे इफेक्टर्स को मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन रिसेप्टर्स उस वक्त होते हैं जब वो कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं, और इफेक्टर्स वो होते हैं जब वो उस स्टिमुलस के ऊपर एक्ट आउट करते हैं. ठीक है, योर हैंड विल रिमेन बी रिसेप्टर एंड इफेक्टर वेन एवर यू सीज अ हॉट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कैंडल एंड अनइंटेंशनली और सबकॉन्शियसली योर फिंगर टचेज दैट कैंडल, आपकी फिंगर ने उस कैंडल को टच किया, यू विल इमीडिएटली, आपने जो टच किया, वो टच करने वाला जो सेंस है, स्किन रिसेप्टर्स जो टचिंग सेंस को आपको फील करा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर रिसेप्टर. ठीक है, योर फिंगर इज़ योर रिसेप्टर. और जब आप उस फिंगर को क्विट आउट करोगे, दैट द सेम फिंगर विल बी द इफेक्टर. अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन हर वो एक्शन होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, फॉर विच यू थिंक अबाउट इट, फॉर विच यू फील इट, कि यार अब मुझे ये करना है, पिकिंग ऑफ अ बुक. ठीक है, राइटिंग, डांसिंग एंड ऑल द अदर स्टफ. एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द प्रीवियस वीडियो. रिकॉल इट कि मैंने क्या बताया था कि मेडुला ऑब्लिगेटा हमारे कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है. यू विल कम टू नो. ओके, अब हमारे पास रिस्पॉन्सेज किस तरह के होते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में, लेट्स जस्ट जनरली डिस्कस दैम. वॉलेंट्री एक्शंस हमारे पास होते हैं, आप केक खा रहे हैं, यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, यू आर वॉकिंग, यू आर प्लेइंग द पियानो, यू आर कमिंग टू स्कूल. ऑल दीज एक्शंस आर वॉलेंट्री. आपने स्कूल आना है, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप नहीं आए. ठीक है, दैट इज़ वॉलेंट्री एक्शन. एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आर हार्ट बीट. कैन यू आस्क योर हार्ट कि डोंट बीट नाउ, आई डोंट वॉन्ट यू टू बीट, नो यू कैन नॉट आस्क. Breathing, blinking, removing hand from object, from hot object, you immediately quit your hand from hot object, choking, salivating, these are not at all in your control. ठीक है, तो concluding this lecture, there is a very fine line between voluntary and involuntary actions, and I hope कि all of you have now a very clear concept regarding spinal reflex, corneal reflex, voluntary and involuntary actions. Actually, we'll soon come up with the question answers of this chapter. And once again, I would like to say you, okay, if you have any theories, you can contact your school. We are here to help you out. Thank you.